बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय हैनीमैन। लास्ट लेक्चर में हमने मोबिलिटी पाथ्स के ऊपर बात की कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑफर मोबिलिटी पाथ्स टू द एम्प्लॉइज, और इसी तरह से वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रमोशंस को ले सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि जो मोबिलिटी पाथ है उस पर क्या हर एक इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है कि उस पाथ को अडॉप्ट कर सके। द आंसर कम्स नो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ गाइडलाइन बीइंग प्रोवाइडेड बाय नेम ऑफ मोबिलिटी पॉलिसीज। तो ये मोबिलिटी पॉलिसीज क्या है? बेसिकली दीज आर द रूल्स बाय विच पीपल मूव बिटवीन जॉब्स स्पेसिफाइड इन रिटन पॉलिसीज एंड स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि विच इंडिविजुअल एज सीम्ड स्पेसिफाइड, कि वो इंडिविजुअल जो है वो तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है जिसकी बेस के ऊपर वो हायर जॉब के लिए प्रमोट किया जा सकता है या नहीं, या उस मोबिलिटी पाथ पे मूवमेंट के लिए इस काबिल भी है या नहीं। सो वेल डिफाइंड मोबिलिटी पाथ पॉलिसी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी पाथ से, चाहे वो हायरार्किकल मोबिलिटी पाथ हो या अल्टरनेट मोबिलिटी पाथ, एंड हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। सो पहला जो करेक्टरिस्टिक हमें नजर आता है वो है जी क्लियरली ए कम्युनिकेटेड इंटेंट। सो ऑन द फर्स्ट हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिंपल चीज जो रिक्वायर्ड है कि उनकी इंटेंट यहाँ पे इस पॉलिसी से क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज देयर इजंट एनी बायसनेस बीइंग शोन। जैसे फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन वन एड, आई कैन टॉक अबाउट इट, क्या एड था बेसिकली, दैट वाज अ हायर लेवल पोस्ट ऑफ प्लानिंग इन अ वेरी मतलब एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप को ओवरसी कर रही होती है, और उसमें हाईली एजुकेटेड जो इंस्टीट्यूशन हैं हमारे, और उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी दैट वाज बैचलर्स, और वो प्लानिंग का बंदा उनको चाहिए था जो कि तमाम हायर वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर सके। सो इट वाज क्वाइट अमेजिंग टू सी कि जनाब ये जॉब के लिए क्राइटेरिया ये है। सो क्लियर कम्युनिकेट इंटेंट जो है वो लाजम होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अदरवाइज पीपल विल नॉट बी ट्रस्टिंग अपॉन दोज थिंग्स। सेकेंड जो एस्पेक्ट आपको नजर आता है वो है कंसिस्टेंसी बिटवीन द पॉलिसी एंड द फिलोसफी एंड टॉप मैनेजमेंट वैल्यूज। सो इसमें से हम कंसिस्टेंसी का लफ्ज ही पिक कर लेते हैं, यानी जो हमारी पॉलिसी है, हम जो ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी रखते हैं या हमारा मिशन है, गोल्स हैं, और टॉप मैनेजमेंट की जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से अलाइंड होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। थर्ड एलिमेंट जो हमें आता है क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्कोप ऑफ द पॉलिसी, कि ये पॉलिसी जो है किन किन चीजों को कवर करती हुई दिखाई देती है। जैसे फॉर इंस्टेंस वन पॉलिसी माइट बी कवरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, वन माइट बी कवरिंग टेक्निकल जॉब्स। तो मोबिलिटी पॉलिसीज के हवाले से ये क्लियर आर्टिकुलेशन होनी चाहिए कि उसका स्कोप ऑफ पॉलिसी क्या है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है, क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज, दैट्स वेरी सिंपल। Then clearly stated supervisors' responsibilities for employee development. So, जो मोबिलिटी है उसके हवाले से जो सुपरवाइजरी रोल है, जैसे हम मेंटरिंग का एक रोल करते हैं, कोचिंग का एक रोल करते हैं, तो उसको क्लियरली स्टेट कर दिया जाना चाहिए रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो किस हद तक जो सुपरवाइजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एम्प्लॉई डेवलपमेंट के लिए। देन आ जाता है सिक्स पॉइंट, क्लियरली डिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स, के हम तरीक़ाकार क्या फॉलो करेंगे। जैसे प्रोसीजर हम जिसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप जो रिक्वायरमेंट हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज की होती है, तो क्लियरली डिस्क्राइब प्रोसीजर उसके लिए हमें ज़रूर देना चाहिए कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि हाउ इंडिविजुअल कैन बी गुड इनफ एंड फॉलो विच प्रोसीजर, कि वो इस बात के ऊपर अपनी मूवमेंट्स को प्लान कर सकता है। सेवन्थ एलिमेंट है इंक्लूडिंग रूल्स विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन एंड एडवांसमेंट्स। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके जो सैलरीज हैं, कंपनसेशंस हैं, उसके हवाले से क्या रूल होंगे और एडवांसमेंट के क्या रूल्स होंगे। जैसे डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको नजर आता है कि किसी भी पोस्ट पे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड सर्व करना है, टाइम नेसेसरी कर दिया जाता है और फिर ही आप आगे जा सकते हैं। जैसे हमारा आर्म फोर्सेज में वेदर यू पास द एग्जाम ऑफ द मेजर बट यू हैव टू सर्व फॉर 5 ईयर्स एज अ कैप्टन, इवन देन फिर आप अपनी प्रमोशन के ऊपर
एलिजिबल बनते हैं. सो रूल्स आर नेसेसरी. देन एट जो पॉइंट है इंक्लूडिंग रूल्स विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट्स एंड बेनिफिट चेंजेस एज दे रिलेट टू योर एडवांसमेंट. दिस इज वेरी क्रिटिकल एलिमेंट. जैसे फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल एक जॉब से दूसरी में चला जाता है तो उसको के बेनिफिट्स जो कंपनसेशन के साथ साथ मिलते हैं वो क्या होंगे या उन बेनिफिट्स में चेंजेस जो हैं वो क्या चली जाएंगी. सो दीज थिंग्स मस्ट बी एक्सप्लेन. सो अ गुड पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑल दीज एट एलिमेंट्स एज वेल. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम एस्पेक्ट किसी भी मोबिलिटी पॉलिसी में शामिल किए जाएं. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो हैं वो फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के जो स्लोगन्स हैं वो देते हुए आपको नजर आएंगे. देर माइट बी क्लेम्स, देर माइट बी लिटिगेशंस रिगार्डिंग दिस. सो पॉलिसी जो है इन जनरल अगर हम देखें तो इट शुड बी फेयर इन द आईज ऑफ द एम्प्लॉइज जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं. सो नॉर्मली जो है क्राइटेरिया आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फर्स्ट थिंग सीनियरिटी लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, देन KSAOs एंड देन जॉब ड्यूटीज जो रिक्वायर की जाती हैं एम्प्लॉयज के हवाले से. सो ये तो हमारे हो गए प्लानिंग के एस्पेक्ट में हमने कुछ चीज़ों को देखा. अभी देख लेते हैं व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में हमारे पास रिक्विजिशंस आती हैं, कोऑर्डिनेशन, बजट और देन रिक्रूटमेंट गाइड. सेम जैसे हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में पढ़ा था जब भी कोई पोस्ट वेकेंट होती है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है या रिक्वायरमेंट अपनी शो की जाती है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रिक्विजिशन. रिक्विजिशंस आर फॉर्मल ऑथराइजेशन बाय हायर लेवल मैनेजमेंट टू फिल अ जॉब ओपनिंग. सो हमने एक फॉर्म फिल किया जिसमें हमने बता दिया कि जी ये हमारे पास जो है डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की और वहां से अप्रूवल यानी रिक्विजिशंस की बेस पे अप्रूवल जो है वो हमें ऑथराइज करता है कि हम उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं. सो फॉर्मल रिक्विजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इट शोज फेयर एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर और सुपरवाइजर कैन हैव अ स्पेशल गुड रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेसिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स फॉर इंटरनल पोजिशंस प्रायर टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो इट इज ईजियर टू इंश्योर दैट इंटरनल मूवमेंट्स आर मेड कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स एंड दैट इज लीगली डिफेंडेबल एज वेल. बिकॉज अगर आप लीगली डिफेंडेबल नहीं बना सकते उसमें तो फिर लिटिगेशन प्रोसेसेस ज्यादा हो जाएंगे और उसमें आपका ट्रस्ट का एलिमेंट जो है टूवर्ड्स द एम्प्लॉइज वो भी रिड्यूस हो जाएगा. दूसरा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है वो है कोऑर्डिनेशन के. जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फिलोसफी हम फॉलो कर रहे हैं हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पैरेलल शायद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ना चल रही हो. सो जो दोनों एफर्ट्स आप अगर कर रहे होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स मस्ट वर्क टुगेदर विद द लाइन मैनेजर्स टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स बिफोर द सर्च ऑफ कैंडिडेट बिगिंस. सो एट द स्टार्ट ही आपको इन चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है. और पॉलिसीज नीड टू बी क्रिएटेड दैट स्पेसिफाई द नंबर एंड टाइप्स ऑफ कैंडिडेट सॉर्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज. देन जो हमारे पास इश्यू आता है वो है नेक्स्ट बजट का. कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इंटरनल रिक्रूटमेंट इज लॉट लेसर कॉस्टली देन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बजटिंग प्रोसेस सेटअप जरूर करना पड़ता है. कॉस्ट पर हायर कैन बी मोर और लेस कॉस्टली देन द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर और लेस. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम असेसमेंट सेंटर्स में चले जाते हैं असेसमेंट सेंटर्स माइट लास्ट फॉर मंथ्स इवन तो हो सकता है उसकी जो कॉस्ट है वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से निस्बतन ज़्यादा हो डिपेंडिंग ऑन द मेथड दैट इज यूज. सो ये इंपॉर्टेंट है. बाकी इसमें हमारे पास वो जो टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच है और देन हमारे पास बॉटम अप बजटिंग अप्रोच है दोनों मेथड्स में से किसी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है. दैट हैज ऑलरेडी बीन डिटेल्ड इन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. देन आ जाता है जी हमें रिक्रूटमेंट गाइड क्या क्रिएट करनी है. रिक्रूटमेंट गाइड हमने कहा था एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गाइड करता है दो पार्टीज को दैट इज द रिक्रूटर एंड द रिक्रूटी एज वेल. सो दिस रिमेन्स द सेम जैसे कि हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में पढ़ा था. लेकिन इंटरनल रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज में भी आपको रिक्रूटमेंट गाइड की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है. सो फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स द प्रोसेस टू बी फॉलोड टू अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स टू अ वेकेंट जॉब इज टर्म्ड एज अ रिक्रूटमेंट गाइड. सो जैसे हमने पहले डिटेल बताई थी उसी को हम फॉलो करते हैं
recruitment guide might be regarding certain elements like money, time and staff activities. So ये तमाम steps को describe करता हुआ आपको दिखाई देता है. Then हमारे पास आता है जी administrative issue, एक और जो खिला रहा है जी timing, जिसमें हम ने lead time concerns को देखा था और time sequence concerns को देखा था. So when to look for internal candidate is the final strategic consideration of an organization must make. कि हमें किस वक्त किसी भी पोस्ट के लिए असेसमेंट्स लेनी चाहिए कि हम उस पोस्ट को फिल करना चाह रहे हैं. सो बेसिकली इसमें क्या है, लीड टाइम और टाइम सीक्वेंस कंसर्न्स. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस. और अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप सिंपल उस लेक्चर को भी देख सकते हैं. कुछ हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी कर देते हैं कि लीड टाइम क्या है जी, व्हाट इज अ लीड टाइम, और दूसरा टाइम सीक्वेंस कंसर्न्स क्या है. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज को फिल करती है बट ऑल्सो क्रिएट न्यू वैकेंसीज इन कंट्रास्ट टू एक्सटर्नल वैकेंसीज. जैसे अगर हमने हायर जो पोस्ट हैं उन हायर पोस्ट के लिए तो क्या फिल कर लिया, हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस रन कर दिया. लेकिन जब यहाँ से एक बंदा यहाँ पर चला गया और फिर यहाँ वाला बंदा यहाँ चला गया, तो ये पोस्ट जो है वो तो खाली होगी, ये एंट्री लेवल जॉब है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को समवेयर कॉम्बिनेशन तो बिल्ड अप करना पड़ा ना, कि उस कॉम्बिनेशन के थ्रू ही वो चल सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ उन वैकेंसीज को फिल करके काम पूरा नहीं करती, बल्कि इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. So, as a result of this difference, जो job incumbents हैं organization के लिए में काम करते हैं वो HR planning में involve हो जाते हैं और internal recruitment को align किया जाता है external recruitment के साथ. So, lead time concerns आपको क्या नज़र आती हैं कि एक internal market को आपने देखना है. Employer can actively participate in identifying and developing KS knowledge skills of the pool of eligible internal candidates. So strategic talent management means identifying crucial skills that will be needed for future positions and begins cultivating these skills in the workforce well in advance. So agar hum isko uska complete karte hain fir isko generally define karte hain. As a result the organization shall be able to reduce the lead time to fill positions with very specific KSUs requirement. So basically क्या आ गया, अगर हम इसको define करना चाहें तो वक्त से पहले जो हमारी human resource planning है वो बहुत important है. इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि there are few sources जो कि जैसे retirements हैं, sabbaticals हैं, these are very easy to predict, जिसकी base के ऊपर हम internal recruitments को plan कर सकते हैं. Even transfer ins and transfer outs are easily जो है predictable. लेकिन death है, कोई बीमारी है या voluntary turnover है, उसको predict करना उतना आसान नहीं होता. So lead time concern में हम कोशिश करते हैं कि before the time हम अपने जो भी recruitment processes हैं उनको run करें, so that हम immediately fill कर सकते हैं उन post को. और उस time को जो gap आता है between leaving of one employee and then hiring of another employee, उसको हम reduce कर सकें. जो दूसरी कंसर्न हमारी बनती है वो है दैट इज टाइम सीक्वेंस कंसर्न. टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एन इवेंट मस्ट बी केयरफुली लेड आउट फॉर बोथ रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट पर्सनल. और मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिगिन विद इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड आफ्टर दैट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टू फिल अ वैकेंसी. तो देखें ये आपको एक सीक्वेंस नजर आ गया, आपने हायर पोस्ट को फिल किया, सो लोअर लेवल से लोगों को लिया, लोअर लेवल से जो पोस्ट खाली हुई उसके लिए फिर यू विल बी रिलाइंग अपॉन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एक कॉम्बिनेशन नजर आता है. सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैन बी डन कंकरेंटली विद इंटरनल रिक्रूटमेंट एज वेल. एंड हु विल बी सिलेक्टेड व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आर ऑफ इक्वल क्वालिटी. और सीक्वेंसिंग के हवाले से ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने एक ये सीक्वेंस डेवलप कर दिया, 1 2 3 4. सो ये हमारे पास रिक्रूटमेंट का एक गाइड आ गई. सो ये 3 months है, फिर ये 6 months है, ये 9 months है, और ये 12th month आ गया. एंड देन दिस इज अ साइकिल विच विल गो ऑन. सो एवरी 3 months वी आर गोइंग फॉर द
रिक्रूटमेंट। सो ये टाइम सीक्वेंस आ गया। ये सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर और एवरी क्वार्टर। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को किस तरह से लेना चाह रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के हवाले से कि हम किस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उसमें स्ट्रैटेजी में हमारे पास जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें कंसिडर करना है पहली चीज वेयर टू लुक, दूसरी हाउ टू लुक और देन थर्ड वन इज व्हेन टू लुक। सो स्ट्रैटेजी के ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं। सो इसके अलावा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मोबिलिटी ए शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल व्हाइल डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी। सो इन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर हमें कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे एक चीज है क्लोज रिक्रूटमेंट, दूसरी ओपन और तीसरी हाइब्रिड सिस्टम। व्हाट इज ओपन रिक्रूटमेंट, व्हाट इज क्लोज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज हाइब्रिड सिस्टम, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले एक डायग्राम देखते हैं और फिर इसके बाद वापस आएंगे इस टेक्स्ट की तरफ। सो हमारे सामने ये एक नज़र आ रहा है जी क्लोज रिक्रूटमेंट सिस्टम। Why it is called as closed? इसके प्रोसेस में चलते हैं और देखते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक पोस्ट वेकेंट है और हम उसको फिल करना चाह रहे हैं। What will be the process of that closed internal recruitment? Manager notifies human resource of the vacancy. So जैसे ही हमारे पास वैकेंसी वेकेंट हुई, ये पोस्ट वेकेंट हुई, हमने उस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने क्या किया, सर्च फाइल्स फॉर द कैंडिडेट्स। ये एक इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है जिसमें हमारे पास डेटाबेस HRIS अवेलेबल है और हमें पता है कि जी अगर हमने कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट चार्ट्स बनाए हुए हैं तो हम उसको यूज करते हुए सर्च करते हैं जो हमारे पास पॉसिबल कैंडिडेट बनता है। ह्यूमन रिसोर्स गिव लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू द मैनेजर्स। सो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनाई और मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दी। मैनेजर ने इंटरव्यू किया कैंडिडेट का, मैनेजर फिल्स द पोजीशन। सो इस सूरत में आप देख रहे हैं देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट दैट हैज बीन डेवलप्ड। कोई नोटिस नहीं इशू किया गया कि जी ये जॉब वेकेंट है, एनीवन कैन अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या कोई मेल ऐसी जनरेट नहीं की गई। सो दिस इज वेयर हम टारगेट करते हैं और उसके मुताबिक लोगों को जो एलिजिबल बनते हैं पॉलिसीज के मुताबिक उसको ले लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज इंटरनल रिक्रूटमेंट सिस्टम। सो इसी को थोड़ा सा अभी टेक्स्ट से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्लोज इंटरनल क्या है। सिस्टम मीन्स दैट एम्प्लॉइज आर नॉट मेड अवेयर ऑफ जॉब वैकेंसीज, ओनली दोज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस HR, line managers and और जो vacancies हैं they contact the employees. So it is very efficient since it involves minimal time and cost as well. So however it only works when the files show the candidates KSUs and are up to date. So अगर मैं वही बात दोबारा कर देता हूँ कि अगर आपके HRIS strong है तो ये system आपके लिए जो है वो favorable हो सकता है। और इसके साथ साथ आपकी जो policy doc है ना वो भी आपका अच्छा होना जरूरी है। देन हमारे पास आ जाता है जी ओपन इंटरनल रिक्रूटमेंट सिस्टम। इसको आप देखते हैं और सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम इस डायग्राम से। सो ओपन सिस्टम में हमें क्या नजर आ रहा है कि जी मैनेजर नोटिफाइज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वैकेंसी, ये सेम रहा। ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट जॉब ओपनिंग, ये अब आपके पास एड आ गया या आपने ईमेल्स कर दी, ठीक है, आपने सर्कुलर इश्यू कर दिया, यानी आपने एडवर्टाइज कर दिया है अपनी पोस्ट को। सो ह्यूमन रिसोर्स रिसीव बिड्स फॉर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स। सो एनीवन कैन बिड कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, मैं एलिजिबल हूं, जो आपने एड में क्राइटेरिया दिया है उसके मुताबिक किसी भी रैंक से, किसी भी हायरार्किकल लेवल से जो है इंडिविजुअल अपनी इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है। बस वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना जरूरी है। देन ह्यूमन रिसोर्स स्क्रीन्स कैंडिडेट, छांटी की जी हमने। ह्यूमन रिसोर्स गिव लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू मैनेजर्स, मैनेजर इंटरव्यू करते हैं कैंडिडेट्स के और मैनेजर फिल्स पोजीशंस। एक चीज और समझने वाली है वो ये है कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों चीजें आपस में इकट्ठी भी हो सकती हैं कि जनाब मैनेजमेंट एंड HR मिल के इस सारे प्रोसेस को रन करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये हमारा क्या हुआ जी क्लोज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारे सामने ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम हुआ। सो इन दीज सिस्टम्स एम्प्लॉइज आर इनफॉर्म्ड ऑफ जॉब वैकेंसीज बाय अ जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग सिस्टम। सो दिस सिस्टम मिनिमाइज्ड द
दैट सुपरवाइजर्स विल सिलेक्ट फेवरेट एम्प्लॉइज. सो क्योंकि ओपन बिडिंग है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो फेवरेटिज्म इससे थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है. एंड इट ऑफन अनकवर्स हिडन टैलेंट एज वेल. सो कोई किसी ने भी अप्लाई किया और उसमें से कुछ अच्छे लोग आप टारगेट कर सकते हैं. हाउएवर इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू स्क्रीन एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल कैंडिडेट्स एंड इन एनहांस कॉम्पिटिशन एज वेल. अब भी अगर इस सिस्टम को रन करना है तो एक और सिस्टम भी हमारे पास एज अ चॉइस आता है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या है? बेसिकली आपके पास जो ओपन सिस्टम था और आपके पास क्लोज सिस्टम था, उसको आप इकट्ठा कर देते हैं. बोथ ओपन एंड क्लोज स्टेप्स आर फॉलोड एट द सेम टाइम. द लार्ज एप्लीकेंट पूल विल बी नैरोड डाउन बाय KSAOs, सीनियोरिटी, एलिजिबिलिटी, डेमोग्राफिक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स. ये वो क्राइटेरिया यूज किया गया. देन देर आर फोर एडवांटेजेस ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम. जब आपने ओपन को भी यूज किया और क्लोज को भी, यानी टारगेटिंग भी की और ओपन बिड्स भी ले ली और उसमें से फिर सिलेक्शन की, इसका फायदा क्या है जी? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर आइडेंटिफाइड इन एडवांस, थॉरो सर्च इज कंडक्टेड, पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर पोस्टिंग एंड हिडन टैलेंट इज ऑल्सो अनकवर्ड एज वेल. सो ये हमारे पास आगे. सो क्राइटेरिया फॉर चॉइस ऑफ द सिस्टम क्या है? हमारे पास जो पहला ओपन क्लोज्ड और तीसरा हाइब्रिड था, आप ओपन को कब चूज करेंगे? ये बेस्ट आपके लिए कब हो सकता है? जब इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं अबाउट परसीव फेयरनेस एंड व्हेन हिडन टैलेंट माइट बी ओवरलुक्ड. क्लोज्ड कब यूज करें? कैन बी बेस्ट व्हेन मैनेजर्स यूज द न्यू कैंडिडेट्स टू स्टार्ट इमीडिएटली एंड व्हेन जॉब्स रिक्वायर अ वेरी नैरो एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ KSAOs. सो अगर आपको टाइम जल्दी चाहिए तो फिर आपके लिए क्लोज्ड ज़्यादा बेहतर है. और दूसरी कंडीशन ये आ गई कि स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ KSAOs है. हाइब्रिड आपके लिए कब है? देन कैन बी बेस्ट यूज्ड व्हेन देयर आर एडिक्वेट रिसोर्सेज टू रन सच अ हाइब्रिड सिस्टम, बिकॉज इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी एंड व्हेन जॉब्स आर स्पेशली की टू द ऑर्गेनाइजेशन. So that's all about this lecture. हमने इसमें administrative issues को discuss किया और फिर इसमें आप open पहले तो हमने policies को देख लिया और फिर administrative issues में हमने requisitions, coordination, budget, recruitment guide और timing को देखा, जिसमें lead time और time sequence concerns. Then strategy के हवाले से हमने देखा कि closed internal recruitment system, open और hybrid recruitment systems क्या होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड लव टू आंसर दोस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.